पहले महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक जंग से जुड़ी खबर पर अपडेट आपको दें। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन में हलफनामा दायर करने को कहा है। वहीं इस मामले में 11 जुलाई को अब सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा। वहीं याचिका के माध्यम से शिवसेना के बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे। बागी विधायकों का ये कहना है कि डिप्टी स्पीकर को हटाने की एप्लीकेशन अभी लंबित है, इसलिए उस पर फैसला होने से पहले वो विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। तो इस पूरे मसले पर अब 5 दिन में हलफनामा दायर करें, सुप्रीम कोर्ट ने आज फिलहाल ये कहा है। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर पूरी अपडेट के साथ पहले रुक कर लेते हैं मुंबई से। हर हलचल समझते हैं हमारे सहयोगी सुबोध मिश्रा से। सुबोध, कई दिनों से ये पूरा महाराष्ट्र का सियासी संकट जारी है, आज तो मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया, फिलहाल मुंबई में क्या एक्शन है ये बताइए। चलिए सुबोध से अभी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन आज क्या हुआ जरा आपको बता देते हैं। दरअसल बागी विधायकों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब बागी विधायक ये कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर को हटाने की खुद की एप्लीकेशन तो अभी लंबित है, तो इसलिए उस पर फैसला होने से पहले वो विधायकों को अयोग्य नहीं ठहरा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी पक्षों को नोटिस दिया है और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। ये आज का अपडेट है इस पूरे मसले पर। वहीं महाराष्ट्र में सियासी संग्राम के बीच कई जगहों पर उद्धव और शिंदे समर्थक जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डोंबिवली और ठाणे में शिंदे के समर्थकों ने संजय राउत का पुतला फूंका, जमकर नारेबाजी की, तो ठाणे में एकनाथ शिंदे के समर्थकों में ने मार्च निकाला। इसके अलावा शिवसेना समर्थक बीड में शिंदे समर्थकों का रास्ता रोकते हुए नजर आए। तो कहीं हुंकार है तो कहीं ललकार दी जा रही है। डोंबिवली, ठाणे, बीड, हर जगह यहां पर बागी विधायकों का प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर संजय राउत का पुतला फूंका गया, तो कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन में मार्च निकाला गया और शिवसेना ने तो बीड में रास्ता रोको आंदोलन ही छेड़ दिया है।